स्वागत है आप सभी का सीओडीपी लर्निंग चैनल पर। ये आपका कक्षा 10 का गृह विज्ञान का पेपर है जो कि 26 मार्च 2022 आज ही के दिन हुआ है। पेपर कोड है 823BD और इस पेपर का सलूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य विषयों की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने आपको गृह विज्ञान में बताया था उसका 55 नंबर मेरे बताए गए क्वेश्चनों से ही आया है, जो कल रात मैंने वीडियो आपको अपलोड करके दिया था। तो आइए देखते हैं अब और यहाँ पर क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, निम्न में से कौन सा जो है साफ तरल आहार नहीं है। तो खैर यहाँ फलों का रस लगाया गया, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो आप सबको पता है जल के द्वारा हैजा फैलता है, दूषित जल से। घर की बचत के लिए सबसे अच्छा विकल्प, इन्होंने निजी एजेंसी टिक लगाया है और मेरे हिसाब से तो जो है डाकर और मेरे हिसाब से तो बैंक शायद सही हो सकता है, लेकिन इन्होंने निजी एजेंसी टिक लगाया है। श्योर अगर आप होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो गृह विज्ञान का अर्थ कला और विज्ञान दोनों होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला है, मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन, तो ये मेरे ख्याल से एल्युमिनियम सल्फेट होगा, ठीक है। अगला, मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है तो वो फुफ्फुसीय धमनी होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आपका प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर आया है, ताप चार्ट किस प्रकार के बनाएंगे। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर कल के जो मैंने आपको वीडियोस दिए थे उसमें जाकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इन क्वेश्चनों का आंसर वैसे भी आप विद्या से मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो अगले साल गृह विज्ञान का पेपर देंगे उनको मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, देखिए, ठीक है। और जो इस बार वाले हैं वो अपना क्वेश्चन जाकर मिला लें, ठीक है। प्रेशर कुकर से खाना पकाने के क्या लाभ है? अरे सबको पता है कि जल्दी खाना पक जाता है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ठीक। आगे यहाँ पर और क्वेश्चन है, डेंगू पर जो है आपको टिप्पणी लिखने, मैंने कल डेंगू के बारे में अच्छे समझा भी दिया था आप सभी को। तो अगला आपका क्वेश्चन, हृदय की संरचना और कार्यों का जो सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था ये आपका गृह विज्ञान का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।